हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल करियर निर्माण में। आज हम पीजीटी मैथ्स फीमेल का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे, जिसमें आज हम मैथ्स का पार्ट कर रहे हैं। पहले हम सभी के मैथ्स के पार्ट कवर कर रहे हैं, उसके बाद में पार्ट वाइज बाकी चीज़ों को भी कवर करेंगे। सबसे मेन पार्ट कौन सा है? मैथ्स, रीजनिंग और इंग्लिश। तो मैथ्स को मैं पहले कवर कर दे रहा हूँ, उसके बाद रीजनिंग और इंग्लिश को भी करेंगे, ठीक है। पहला क्वेश्चन देखते हैं, लार्जेस्ट फ्रैक्शन बतानी है। देखो, लार्जेस्ट बताने के लिए मैंने एक फॉर्मूला बताया था, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन वाला। लेकिन अगर फ्रैक्शन ऐसी बड़ी बड़ी आ जाए या जिसमें कैलकुलेशन निकालना मुश्किल हो, तो कैसे करेंगे? देखो, बड़ी फ्रैक्शन बतानी है। अब देखो, ये 46 × 92 होता है, ये 1 पॉइंट कुछ आएगा। 12 × 24 हो रहा है, ये 1.9 के आसपास आएगा। ये 150 × 300 हो गया, ये 2 पॉइंट कुछ आएगा। यानी ये वाला ऑप्शन तो दोनों गए, ये क्या होगा? 428 × 856, ये भी 2 पॉइंट कुछ आएगा। यानी हमें इन दो में कंपेयर करना है। आप कैसे करेंगे? अब इन दोनों को अलग अलग लिख लेंगे, 895/428 और 313/150। अब देखो, ये कितना हुआ? 150 × 300, 13 बचा, 130 भी नहीं कटेगा इससे, तो 1300, यानी 2.15 × 8 120, 8 के आसपास आएगा। ये क्या आएगा? 428 × 856, 56 गए तो 39 बचे, 0 उतार लिया, 390 भी नहीं कटेगा, एक और 0 उतार लिया, ठीक है। यानी 3900 कितना जाएगा? 4 × 8 = 32, 4 × 9 = 36, 9 बार चला जाएगा, यानी 2.9 के आसपास। तो कौन सा बड़ा है? ये वाला। आंसर क्या आ गया? 895/428। तो कैलकुलेशन इतनी ज़्यादा बड़ी नहीं थी, और देख के बड़ा लगा होगा बेशक क्वेश्चन, तो कैलकुलेशन ऐसे भी कर लेंगे। एक क्रॉस मल्टीप्लाई वाला जो हमने करा था, वैसे भी कर लेंगे, ठीक है। जैसा आपको आसान लगे वैसे कर लो। दूसरा देखते हैं, दो क्यूब है और वो सटा के रख दिए, एक क्यूबॉइड बना दिया गया। देखो, ये क्यूब है, एक क्यूब, और इन्हें ऐसे सटा के रख दिया है। यहाँ पे एक ये रख दिया, ठीक है, ये यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे। जब ये सटा के रख दिए तो क्या चेंज हुआ? बस इसकी लेंथ ही तो चेंज हुई, ब्रेथ सेम रही, हाइट सेम रही, इसकी वॉल्यूम निकालनी है। ये डबल हो गई लेंथ, पहले कितनी थी? 8, अब कितनी होगी? 16। बस लेंथ चेंज हो गई, वॉल्यूम क्या हो गया? एल बी एच। एल क्या है? 16। बी क्या है? 8। एच क्या है? 8, ठीक है। 8 × 48, 8, 8 × 64, यूनिट डिजिट 4 आएगा। 4 किसमें? इसमें। यही हमारा आंसर आ गया, ठीक है। ऐसे भी कर लेंगे, कैलकुलेशन को ऐसे आसान बनाएंगे, इन्हें कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। 8 × 48 और 8 × 64, यूनिट का 4 है, 4 बस एक ही में, ये हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, दो आइटम खरीदे गए एक ही प्राइस पे, ठीक है। मान लो 100 के खरीदे गए, एक को 20% प्रॉफिट यानी 120 में बेच दिया, और एक को 15% प्रॉफिट पे यानी 115 में बेच दिया। पूछ रहा है ओवरऑल प्रॉफिट परसेंटेज क्या थी। देखो, 20 का प्रॉफिट, 15 का प्रॉफिट, यानी टोटल 35 का प्रॉफिट, कितने पे? 100 और 200 पे। तो कितना परसेंटेज हो गया? 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, यानी 17.5%, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ऐसे क्वेश्चन को कैसे करते हैं? देखो, 3 की पावर में दे रखा है, कभी भी इक्वेट ये तभी होंगे या कंपेयर तभी होंगे जब ये भी 3 की पावर में लिखा हुआ हो, ठीक है। कैसे लिखेंगे? 3 की पावर p+q = 3 की पावर, ये 3 × 3 = 27, 3 × 81 = 243, 3 की पावर 5, यानी p+q क्या आ गया? 5 आ गया। अगर बेस सेम है तो पावर भी सेम होंगी। ये क्या है? q - p। 5 को क्या लिख सकते हैं? 5 की पावर 1, यानी q - p की वैल्यू क्या आ गई? 1। अब देखो, p+q a है, q - p a है, सॉल्व कर लेंगे। p से p गया, यानी 2q = 6, q = 3। जब q 3 आ गया तो p = क्या आ गया? 2। तो ये दोनों आ गए, क्या बताना है? p × q, 2 × 3 कितना हो गया? 6। ये हमारा आंसर आ गया। इतने आसान क्वेश्चन थे, 12-13 क्वेश्चन आसान थे, 5-6 क्वेश्चन थोड़े टफ थे। टफ नहीं थे मतलब कैलकुलेशन थोड़ी ज्यादा थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज दे रखे हैं डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में, ठीक है, और ये अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन है, ABCDE। क्या पूछ रहा है? व्हाट इज द रेशियो बिटवीन द नंबर ऑफ एम्प्लॉयज फ्रॉम फाइनेंस एंड मार्केटिंग डिपार्टमेंट्स टुगेदर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बी। दोस्तों, इन दोनों का सम क्या है? 165, और इन दोनों का सम क्या है? 420। इन दोनों का रेशियो तो पूछा था, 15 से काट लेंगे, 15 × 15, 15 × 15, 15 × 30 और 15 × 8 = 120, 11:28 आंसर आ गया।
ठीक है, नेक्स्ट आते हैं। देखो इसमें बोर्ड मास लगेगा, सिंप्लीफिकेशन वाला क्वेश्चन। पहले क्या करेंगे, डिवाइड। तो 12 3 36 और 12 5 60, ये हो गया 35 × 35, यानी 35² + 45² - 15² = देखो हमें अगर ये स्क्वायर निकालने आते तो आसानी से कर लेंगे। स्क्वायर निकालने का फॉर्मूला क्या है, अगर 5 है लास्ट में किसी भी संख्या के, तो लास्ट की दो संख्या 25 होंगी, ठीक है। और 3 की अगर 35 का स्क्वायर निकालना, तो इसका अगला डिजिट क्या है, 3 से बाद क्या आता है, 4, 3 चौक 12, 1225। ऐसे इसमें 25 आएगा, 4 से अगला क्या होता है, 5 4 5 20। ऐसे इसमें 15 15 225, इसका स्क्वायर तो हमें पता है, ठीक है। माइनस प्लस माइनस कर लेंगे, उसके बाद क्या आएगा, 3025। ये किसका स्क्वायर है, देखो 5 6 30 होते हैं, तो इसका मतलब ये 5 होगा। और ये 25 क्यों है, क्योंकि यहाँ पे एक और 5 होगा, तो 55। एक और मैं फॉर्मूला बताता हूँ, डिजिटल सम वाला, 35² + 45² - 15² डिजिटल सम क्या कहता है, कि क्वेश्चन का डिजिटल सम आंसर के डिजिटल सम के बराबर होगा। देखो इसका डिजिटल सम 5 और 3 8, 8 का स्क्वायर 64, 64 का डिजिटल सम 6 4 10, 10 का डिजिटल सम 1, 1 आ गया। इसका 5 4 9 9 81, 81 का डिजिटल सम क्या हुआ, 8 1 9, ये हो गया। माइनस 5 1 6 6 6 36, 36 का डिजिटल सम 6 और 3 9, 9 से 9 गया, यानी आंसर का डिजिटल सम 1 होगा। देखो 5 3 8 है, नहीं हो सकता, 5 4 9 है, नहीं हो सकता, 5 2 7 है, नहीं हो सकता, 5 5 10 10, 10 का डिजिटल सम कितना हुआ, 1, यही हमारा आंसर है, ठीक है। तो कैलकुलेशन को ऐसे आसान बनाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरविंद 2 घंटे में अपनी बाइक से एवरेज स्पीड से कॉलेज पहुंचता है, जब 2 घंटे में 30 की स्पीड से जाता है, तो 30 × 2 ये डिस्टेंस हो गया, 30 × 2 = 60, डिस्टेंस ये हो गया ना, स्पीड इंटू टाइम। अब क्या बोल रहा है, देन वॉट शुड बी हिज एवरेज स्पीड बाई हिज कार टू रीच द कॉलेज हाफ एन आवर अर्लियर, अगर आधा घंटा पहले पहुंचना हो तो कितनी स्पीड होनी चाहिए उसकी। देखो डिस्टेंस तो 60 है, 2 घंटे से आधा घंटा पहले, यानी 1.5 घंटे में पहुंचना है, स्पीड कितनी होगी, 40, ये आंसर हो गया, ठीक है। तो इतने आसान क्वेश्चन भी थे इसमें। नेक्स्ट पे आते हैं, प्राइस घट गया 25%, शर्ट का प्राइस घट गया, यानी 100 से 75 हो गया, और सेल इंक्रीज हो गई 20%, सेल इंक्रीज हो गई 20%, यानी सेल कितनी होगी, 100 से 120। बोल रहा रिवेन्यू पे क्या फर्क पड़ेगा, देखो रिवेन्यू होता है प्राइस इंटू सेल, जितना प्राइस होगा और जितनी सेल होगी। अब देखो इसे काट लेंगे, 25 चौका 100, 25 3 75, ऐसे ही से काट लेंगे आपस में, ये हो गया 20 5 100, 20 6 120, यानी इसका रेशियो तो 4 3 से घटा, प्राइस का रेशियो तो 4 3 से घटा, और जो सेल है उसका रेशियो 5 6 से बढ़ गया। रिवेन्यू क्या होता है, ये इंटू ये 4 5 20, ये इंटू ये 18, यानी 20 से 18 हो गया रिवेन्यू, बाकी और काट लेंगे, यानी 10 से 9 हो गया। कितना कम हुआ, 1, कितने पे, 10 पे, यानी 1/10, 1/10 को हम परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे, 10 से मल्टीप्लाई, यानी 10% कम हो गया, तो 10% डिक्रीज, ठीक है दोस्तों। ऐसे ही करने हैं रिवेन्यू वाले क्वेश्चन जो होंगे। नेक्स्ट आता है, 3600 रुपये डिवाइड करा गया 2 पार्ट्स में, देखो 3600 रुपये है टोटल पैसे, इसे 2 पार्ट में डिवाइड करा, ये एक्स है ये वाई है। मैं इसका सबसे बेस्ट फॉर्मूला बताऊंगा सॉल्व करने का, देखो 8% 2 साल के लिए, यानी टोटल 16% हो गया, ओवरऑल 16% हो गया ना, 8% + 8% = 16%, और 9% दिया 3 साल के लिए, यानी 27%, ठीक है। क्या बोल रहा है, टोटल ब्याज 741 आया, पूछ रहा है लार्जर प्रिंसिपल क्या था, मतलब इनमें से बड़ी राशि कौन सी थी। अगर हम एक्स वाई लगा के सोल्व करेंगे तो बहुत लंबा बैठ जाएगा, मैं आपको एक फॉर्मूला बताता हूँ, इसे कहते हैं शिफ्टिंग। देखो 27% को क्या क्या लिख सकते हैं, 27% को 16 + 11% लिख सकते हैं। तो अगर इसे पूरे ही धन को 16% से दिया जाता, तो हम इसका 16% निकाल देते सीधा, ठीक है। जैसे मान लो कोई धन 10 रुपये दिए 10% की दर से, और 20 रुपये दिए 10% की दर से, ये भी, तो इसकी वैल्यू क्या थी, 10 का 10% 1, 20 का 10% 2, यानी 3। तो इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 20 और 10, यानी 30 का 10% कितना आएगा, 3,
तो यानी ये दोनों तो सेम ही है, तो हम 16% ही मान लेंगे कि 16% पे दिया गया है धन। अगर 16% पे दिया जाता तो कितने रुपए मिलते हैं? 16 6 96, 16 3 48, 48 9 57, 576 रुपये मिलते हैं। लेकिन मिले कितने? 741। कितने कम मिले? 5, ये 6 और ये 1, 165 रुपये कम मिले। क्यों मिले? क्योंकि ये 11% हमने कैलकुलेट नहीं करा, तो यानी इस संख्या का 11% 165 है। 1% कितना हुआ? 11 कम 11, 11 5 55। 100% क्या हुआ? कोई भी वैल्यू 100% होती है ना, यानी 1500। तो ये धन आ गया हमारा 1500, टोटल था 3600, तो ये कितना बचा? 2100। तो बड़ी संख्या क्या थी? 2100। बड़ा धन हमारा 2100 था। ये सबसे बेस्ट तरीका है सोल्व करने का इसे, ठीक है? और जब आप इसमें कई बार प्रैक्टिस कर लेंगे ना, आपके लिए आसान लगने लगेगा, बिल्कुल आप शिफ्टिंग ऐसे ही लगाने लगेंगे कि आपको पेन रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी बिल्कुल भी, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बार ग्राफ फिर से आ गया। व्हाट अप्रोक्सीमेट परसेंटेज ऑफ द टोटल सेल्स ऑफ द गिवन 6 कंपनीज वाज द सेल ऑफ कंपनी टी। देखो, टोटल सेल से कंपनी टी की जो सेल थी कितना परसेंट थी, ठीक है? देखो, ये इसमें कैलकुलेशन करनी है। कैलकुलेशन कैसे करनी है? देखो, 40 50 60 30 70 80। देखो, 4 5 4 9 और 6 15, 15 3 18, 18 7 25 और 8 33, यानी 330। ऐसे ही ये यूनिट को करेंगे, 2 5 2 7 6 13, 13 8 21, 21 6 27, ये 27 हो गया। अब डेसिमल करेंगे, 3 4 7 7 7 14 26 8 28 2 30, यानी 30 3 आ गया, 3.0 जोड़ देंगे, 27 3 30, यानी 360 आ गया। देखो कैसे फास्ट कैलकुलेशन हुई। कंपनी टी के कितने? 70.4। कितना परसेंट है? 70.4 बटे 360 इंटू 100। 0 से 0 कटी, 4 9 36, 17 6 68, 4 5 24, यानी कितना हो गया? 1760 बटे 9। दोबारा काट लेंगे, 9 1 9, 1760 देखो, 9 1 9, 8 बचा, 9 9 81, 19 कुछ आ रहा है, यानी ये हमारा आंसर है। ये सीधा से भी देख सकते हैं, देखो 20 निम्मा 180 होता है, ये 180 के आसपास है, यानी अप्रोक्सीमेट 20 आंसर है, ठीक है? अप्रोक्सीमेट कौन सा है? 19, यही हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट देखो, 8000 का क्यूब रूट 20, 27 का क्यूब रूट 3 माइनस 6 किसका क्यूब है? 7 का, बाहर आ गया 20 3 23 माइनस 7 16 आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसे दो तरीके से कर सकते हैं, अगर कुछ भी समझ में ना आए तो बेसिक तरीका। 45 नंबर्स का एवरेज 33 है, तो इनका सम कितना हुआ? 45 इंटू 33, ठीक है? इनकी मल्टीप्लाई कैसे करेंगे? 45 3 135, यानी 1350 प्लस 45 3 135, 135 यानी 1485। ये कैसे करा मैंने? इसे 30 प्लस 3 लिख लेंगे ना, ठीक है? ऐसे मल्टीप्लाई कर लेंगे। अब 15 का है 28, सम कितना हो गया? 15 इंटू 28, यानी 15 8 120, 15 2 30 12 42। अब क्या है? लास्ट 25 का 35 है, सम कितना हुआ? 25 इंटू 35, 25 5 125, 25 75 12 87, जोड़ लिया, 5 7 2 9 8 4 12, 1295। कितना कम है? कितना कम हो गया? 5 में 5 गया 0, ये 18 में से 9 गए 9 और 1, यानी 190 कम। 190 क्यों कम है? देखो, 15 ये संख्या थी, 25 ये, टोटल 40 संख्या थी, कितनी गायब है? 5। यही तो पूछा है, व्हाट इज द एवरेज ऑफ रिमेनिंग 5 नंबर्स। देखो, सम तो ये हो गया इनका 5 का, एवरेज क्या होगा? 5 से डिवाइड कर देंगे, 5 3 15, 4 बचा, 5 8 40, 38 आंसर। दूसरा तरीका मैं बताऊंगा, अभी आपको समझ में भी नहीं आएगा, वो डेविएशन वाला फॉर्मूला है। अगर आपने सीखा नहीं है तो आप अभी मत कीजिए, अगर आपका अभी एग्जाम है, ठीक है? बाद में करा दूंगा जब मैं चैप्टर सोल्व करूंगा एवरेज का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एलसीएम 3 टाइम्स है एससीएफ का, 3 टाइम्स है मतलब रेशो 3:1 का हो गया, ये एलसीएम ये एससीएफ। एलसीएम एससीएफ का सम है 44, जब सम 44 है, वैसे सम क्या? 3 1 4, 4 यूनिट, तो 1 यूनिट की वैल्यू 11, जब 1 यूनिट की है तो एलसीएम क्या हुआ? 11 3 33 और 11 1 11, ये एससीएफ हो गया। हमें फॉर्मूला पता है, एलसीएम इंटू एससीएफ बराबर पहला नंबर इंटू दूसरा नंबर, ठीक है? एलसीएम क्या है? 33, एससीएफ क्या है? 11, पहला नंबर कौन सा है? 11, दूसरा निकालना है हमें,
ग्यारह से ग्यारह, एक्स बराबर क्या आ गया 33। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब देखो क्या करना है, नंबर ऑफ एम्प्लॉइज इन आईटी डिपार्टमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन सी, सी में आईटी डिपार्टमेंट में कितने लोग हैं 160, ये अलग लिख लिया। इज व्हाट परसेंट ऑफ द टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉइज इन ऑर्गेनाइजेशन सी, टोटल कितने हैं ऑर्गेनाइजेशन सी में, टोटल ऑर्गेनाइजेशन सी में कितने, 100, 200, 300, 400, 500, 6, 3, 9, 1, 10, 2, 12, यानी 620 हो गए यहाँ तक, और 5 यानी 625। 160 625 का कितने परसेंट है, मल्टीप्लाई कर दी। अब देखो 25 चौका 100, 25 25 जा 625। अब देखो नीचे 100 बना लेंगे क्योंकि 100 से कैलकुलेट करना आसान होता है, 100 बनाने के लिए नीचे 4 की मल्टीप्लाई होगी, ऊपर भी 4 की, तो नीचे 100 बन गया। ये हो गया 160 × 16 ऊपर, और नीचे हो गया 100, 16 16 जा 256, यानी 2560/100। अब 100 को जब हटाएंगे तो पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा, 2 इधर खिसक जाएगा, तो 25.6 आंसर आ गया हमारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, रोली जो है तीन घंटे में जब 24 पेज लिख रही है, टाइप कर रही है, तो एक घंटे में कितने होंगे, 3 × 8 = 24, 8 पेज पर आवर। और नीलम जो है 9 घंटे में 45 कर रही है, जब 9 घंटे में 45, तो एक घंटे में 9 × 5 = 45, यानी 5 पेज पर आवर लिखेगी एक घंटे में, टाइप करेगी। क्या बोल रहा है, दोनों 351 पेज कितनी देर में टाइप कर देंगी। देखो दोनों मिलके एक घंटे में कितने कर रही हैं, 13, 351 करने हैं, कितने गुना है, 27 गुना, 13 × 26 और 13 × 7 = 91, 27 गुना है, तो टाइम भी 27 गुना हो जाएगा, यानी 27 आवर लगेंगे 351 पेज टाइप करने में दोनों को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये थोड़ा ट्रिकी था लेकिन आसान था, इतना टफ नहीं था। तो अपस्ट्रीम स्पीड दे रखी है, यूएसएस और डीएसएस का रेशो दिया है, कितना, 2:3। क्या बोल रहा है, 45 किलोमीटर ट्रेवल कर रहा है टी आवर्स में, 45 किलोमीटर टी आवर्स में कौन ट्रेवल कर रहा है, जो भी दिया हुआ है, बोट या कोई भी आदमी है बोट में बैठा हुआ, डाउन स्ट्रीम में मतलब नीचे जाते हुए पानी के बहाव की तरफ। ठीक है, 45 किलोमीटर टी आवर्स में कवर कर रहा है, कह रहा है टी आवर्स में यूएसएस में मतलब अपस्ट्रीम में कितने किलोमीटर कवर करेगा ये। देखो टाइम सेम है, ये स्पीड है, ये टाइम है, दोनों में टी आवर्स लग रहे हैं, इसमें भी टी, इसमें भी टी, तो डिस्टेंस कितना कैलकुलेट करेंगे, स्पीड इंटू टाइम, ये 2t और ये 3t, टी से 3 तो कट जाएगा, यानी डिस्टेंस का रेशो 2:3 होगा। अगर ये 2:3 ट्रेवल करेगा तो ये 3:3 ट्रेवल करेगा। अब देखो डीएसएस का दिया हुआ है हमें, ये 45 किलोमीटर 45 है, कितने गुना है, 15 × 45, तो ये भी कितना गुना होगा, 15 गुना, 15 × 30। ठीक है, तो कितने किलोमीटर ट्रेवल करेगा, 30 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर नहीं आते हैं क्वेश्चन समझ में तो दोबारा से कर लीजिए, दोबारा देखिए, स्लो करके देखिए, अगर आपको ज्यादा आता तो फास्ट करके देख लीजिए। ठीक है, 200 स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने एग्जाम दिया, 13% की डिस्टिंक्शन आई। देखो 13% क्या होगा 200 का, यानी 26 लोगों की डिस्टिंक्शन आई। क्या बोल रहा है, नंबर ऑफ बॉयज हु गॉट डिस्टिंक्शन इज 2 मोर देन द नंबर ऑफ गर्ल्स, यानी इसमें जो नंबर ऑफ बॉयज और गर्ल्स हैं, तो बॉयज की संख्या 2 ज्यादा है, 2 ज्यादा को कैसे करेंगे, देखो 2 को पहले अलग कर लिया, बचे कितने 24, 24 को आधा आधा बांट दिया, 12 12, बॉयज कितने ज्यादा 2, तो 2 जोड़ दिया बॉयज में, यानी बॉयज हो गए 14 और ये हो गए 12, टोटल 14 12 26 हो गए, ऐसे हम डिवाइड करते हैं, तो ये हो गए बॉयज, ये हो गए गर्ल्स। क्या बोल रहा है, इफ 20% ऑफ द गर्ल्स गॉट डिस्टिंक्शन, देखो 20% यानी 12, 12 गर्ल्स की डिस्टिंक्शन आई, यानी 20% की वैल्यू है 12, 20% गर्ल्स की, तो 100% गर्ल्स कितनी होंगी, 12/20 × 100, 20 × 5 = 100, 12 × 5 = 60, यानी 60 लड़कियां हैं टोटल, तो लड़के कितने हैं, 200 बच्चे थे उसमें 60 लड़कियां हैं, लड़के कितने, 140। ठीक है, ऐसे करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन गलत है, इसे रिप्रेजेंट कर देना, जिसका भी एग्जाम हुआ है पीजीटी मैथ्स फीमेल का, ये 4 6 5 और इसमें देखो कॉपर डाला है और रेशो 4 4 5, इन दोनों की जो वैल्यू सेम रही 4 5 4 5, इसकी वैल्यू घट गई, घटनी नहीं थी बढ़नी थी,
अब देखो अगर 8 केजी के हिसाब से आंसर निकालना है ना हमें, तो 4 की जगह यहाँ पे 7 होना चाहिए था, ठीक है। ये दोनों तो सेम हुए, 6, 5, 11, 4, 15 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 120, 120, और 1 यूनिट की वैल्यू 8 हो गई। अब अगर ये 6 से 7 होता, यानी 1 यूनिट बढ़ता, तो 1 यूनिट की वैल्यू 8, 8 केजी मिलाना पड़ता, तब तो ये सही होता। लेकिन यहाँ पे 4, 4, 5 है, कम नहीं हो सकता रेशो, क्योंकि कॉपर एक्स्ट्रा डाला जा रहा है, बढ़ेगा रेशो, इसलिए ये गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, काइट का एरिया होता है हाफ इंटू दोनों डायगोनल्स की मल्टीप्लाई। एरिया दिया हुआ है 96, एक डायगोनल क्या है 16, तो ये हो गया 16 इंटू डी टू बराबर 96 इंटू 2, 16 छिंग 96, 6 दूनी 12, दूसरा डायगोनल क्या हो गया 12। देखो तीन पार्टनर हैं, प्रॉफिट का रेशियो क्या है इनका एबीसी का, 2, 5, 3, और इनका टाइम का रेशियो क्या है 8, 6 और 9। देखो प्रॉफिट क्या होता है हमारा, प्रॉफिट किस रेशियो में बढ़ता है, इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम के रेशियो में। तो अगर हमें इन्वेस्टमेंट निकालना है तो प्रॉफिट अपॉन टाइम करना पड़ेगा। कैसे करेंगे, प्रॉफिट को टाइम से डिवाइड कर देंगे, 2/8, ये हमारा आ गया इन्वेस्टमेंट, 5/6, 3/9 काट लेंगे, 4/3 यानी क्या आ गया 1/4, 5/6, 1/3। अब इन्हें फ्रैक्शन को घटाएंगे कैसे, एलसीएम लेंगे, 6, 4, 3 का एलसीएम 12, 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर, तो 4 + 12 ऊपर 3 हो गया, 6 × 2 = 12, और 2 × 5 = 10 ऊपर 10 हो गया, और 3 × 4 = 12 ऊपर 4 हो गया, क्या रेशो आया 3, 10, 4। तो देखो ये सबसे फास्ट सॉल्यूशन था इस पेपर का, और पेपर में इतने टफ क्वेश्चन नहीं थे, अगर आपने ढंग से पढ़ा है तो कर लेते आप। देखो अगर पेपर में आपको कुछ भी नहीं आता है, अगर आपको ट्रिक समझ में नहीं आती है, तो बेसिक से करिए, पेपर आपका सॉल्व हो जाएगा। ये 20 क्वेश्चन है, तो कोशिश करिए 14 से 15 तो करके जाएं, अगर 3 से 4 कैलकुलेटिव भी आ जाते हैं तो आप 15-16 क्वेश्चन तो कर ही लेंगे, और इससे ज़्यादा कैलकुलेटिव आता भी नहीं है, ठीक है। 3-4 क्वेश्चन कैलकुलेटिव होते हैं, एक आध क्वेश्चन कई बार गलत भी डाल देता है, जिससे बच्चे उसके पीछे लगे रहें। तो एक बार में अगर आपका आंसर आ रहा है तो कर दो, टिक कर दो, नहीं आ रहा है तो एक बार और देख लो, उससे ज़्यादा बार मत देखो, 2 से ज़्यादा बार तो किसी क्वेश्चन को नहीं देना, ठीक है। जो सिंपल क्वेश्चन है उन्हें जल्दी से करके आगे बढ़ जाइए, एक्यूरेसी रखिए, कोई भी क्वेश्चन गलत मत करिए या गलत टिक कर दें, जल्दबाजी बिल्कुल मत करिए, जितना आता है उतने कर दीजिए, और आगे भी ऐसे ही हम पेपर सोल्व करते रहेंगे। जिसका भी पेपर होता है हमें टेलीग्राम में वो पेपर भेज दें, हम उसे सोल्व करवाएंगे धीरे धीरे करके, जितना हो सकेगा मैथ्स रीजनिंग इंग्लिश जो भी होगा हम उसे सोल्व करवा देंगे, ठीक है। मैं PDF भी डाल दूंगा ग्रुप में, और आप हमारे साथ बने रहिए। मैथ्स के जितने भी सोल्यूशन है मैंने प्लेलिस्ट बना दिया, उसकी भी आप देख लीजिए, और बार बार इन क्वेश्चन को करिए, इसी तरह के क्वेश्चन कुछ आपको पेपर में देखने को मिलेंगे। और अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो उन्हें शेयर करिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हम पहुँच सकें, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपनी तैयारी कंटिन्यू रखिए, ठीक है, गुड नाइट।